इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स के खिलाफ शानदार फतह ने पॉइंट्स टेबल मुकम्मल तब्दील कर दिया। आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के मैच नंबर 21 में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें मदे मुकाबले हुई, जिसमें यूनाइटेड ने फतह हासिल करके पॉइंट टेबल तब्दील कर दिया है। अगर आप भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए देख लेते हैं मैच नंबर 21 के बाद ताजा तरीन पॉइंट टेबल। नंबर 6 कराची किंग्स। कराची किंग्स की टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं। अपने तमाम मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 0 पॉइंट्स के साथ नंबर 6 पोजीशन पर मौजूद है। बात करें नंबर 5 पोजीशन की तो पिशावर जलमी की टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं। 3 में फतह हासिल की, 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 5 पोजीशन पर मौजूद है। नंबर 4 क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ग्लैडिएटर्स की टीम ने भी अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते 4 हारे और 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 4 पोजीशन पर मौजूद है। नंबर 3 इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने भी अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, 4 जीते 3 हारे और 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पोजीशन पर मौजूद है। नंबर 2 लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स की टीम ने भी अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, 5 में फतह हासिल की, 2 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 10 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 पोजीशन पर मौजूद है। नंबर 1 मुल्तान के सुल्तान्स। मुल्तान सुल्तान की टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले हैं, 6 में शानदार कामयाबी अपने नाम की, 1 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है।